यश चोपड़ा जी का जब मैंने एक उनके प्रति उद्धरण सुना, एक वाक्य सुना, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं लोग संगीत को फॉलो करते हैं और संगीत लता को फॉलो करता है। तो मैं बहुत दिन सोचता था इसका मतलब क्या है, यश जी ने ऐसे क्यों कहा कि लोग संगीत को फॉलो करते हैं और संगीत लता को फॉलो करता है। बहुत सोचने के बाद जो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया, मैं आपको बताता हूं, आप उसको सुधार भी सकते हैं। असंभव ऐसी जो धुने हैं, असंभव ऐसे जो लय है, सुर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स इमेजिन कर पाए क्योंकि लता जी गाती थी। अगर लता जी नहीं होती तो वो सुर उनके उनको सूझते ही नहीं, वो इमेजिन ही नहीं करते, छोड़ देते थे, ये इधर तक तो कोई पहुंच ही पहुंच नहीं ही नहीं सकेगा। सकता, लता पहुंच सकती है, इसलिए रचना इसलिए होती थी। उन्होंने वो सुर बनाए, वो गीत उस तरह से रचा और उन्होंने उसको गाया, जो बहुत मुश्किल है ऐसे कुछ गानों में। मैं आरडी बर्मन जी का अरे बहुत अच्छा सबने सुना हुआ, बसेरा, अच्छा, जहां जहां बसे पे सवेरा सवेरा हो हो, बसेरा बहुत वही सुंदर है है। वो। मैं उसमें जो आवाज देखिए, देखिए गाने के लिए कोई आजकल की गायिका भी कहे हाँ मैं गा सकती हूं करके और आवाज चढ़ा भी लेगी, लेकिन उसकी मधुरता तो आनी चाहिए ये ना। अब ये सुनते हैं जहां तक। बस इतना।